86% स्टूडेंट पास्ड सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 एग्जाम्स। क्या बोला? 86%। जी हाँ, सही बोला। मुझे पता है इंस्टीट्यूट के जो एग्जाम हुए थे उसमें अराउंड 1,37,000 स्टूडेंट्स अपीयर किए, उनमें से केवल अराउंड 40,000 स्टूडेंट पास किए। पासिंग परसेंटेज गया केवल 29.99% टू बी वेरी एग्जैक्ट। बट अगर मैं आपको बात करूं लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम की, उसका पासिंग परसेंटेज था 86%, मतलब कि 100 में से 86 स्टूडेंट पास किए एग्जाम्स। बट यार, मैं उन स्टूडेंट्स के साथ हूं जो कहीं ना कहीं बाउंस बैक करने का सोच रहे हैं जून 24 में। सफर डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, आई नो, बिकॉज यहां पर आपका BCR और BCK जो कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माने जाते थे लॉ और इकोनॉमिक्स में, वो हट चुके हैं। अकाउंट्स में बहुत सारे मॉडिफिकेशन है सब्जेक्ट में, मैथ्स में भी एक दो चैप्टर एड ऑन हुए हैं। इकोनॉमिक्स में वो जो क्लास 12th में आपने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था, जो आपने नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, GDP के कैलकुलेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो सब ऐड हो चुके हैं आपके इकोनॉमिक्स में। तो बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि CA इंटरमीडिएट में पूछे जाते थे, अब वो CA फाउंडेशन में शिफ्ट हो चुके हैं। तो जर्नी डिफिकल्ट है, बट मैं आपको बता दूं, अगर आप सच में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो ऐसे चेंजेस से आपको अडेप्ट होना पड़ेगा। बिकॉज CA फाउंडेशन में आपने शायद पहली बार ऐसा कुछ सोचा होगा कि यार सिलेबस में चेंज हो गया, लेकिन ये CA इंटर CA फाइनल में तो अमेंडमेंट्स नाम से जाना जाता है कि यार कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं। बट अगर आप सच में जून 24 में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वो सारी मिस्टेक्स ध्यान से सुनना। अगर एक जगह अलग से बैठ के सुन रहा है तो ध्यान से सुन और लिख ले कहीं किताब में, और वीडियो को लाइक कर देना अगर सच में बात समझ में आ रही हो तो। मेरी बात सुन, जो तूने गलतियां करी थी दिसंबर 23 में, या फिर अगर तेरा ये रिपीटेड वाला एग्जाम है, मतलब एक दो अटेम्प्ट तू दे चुका है, तो वो बात ध्यान रखना कि तूने रिविजन्स कम किए थे। याद रख, जब डेढ़ दिन की जब प्रिपरेशन की बात आती थी तो तू पीछे हट गया था, इतनी ज्यादा तुझसे मेहनत हो नहीं पा रही थी, बिकॉज तूने उसके पहले वो एक डेढ़ दिन कभी भी खुद को चेकअप नहीं करवाया ना कि क्या तूने डेढ़ दिन में पूरा पढ़ के देखा था एग्जाम के पहले। नहीं, क्योंकि तू 100% सब्जेक्ट को पूरा खा के ही नहीं गया, पूरा प्रिपेयर करके ही नहीं गया। How you can expect to write full in your exams? और यही गलती करता है ना बच्चा, वो सोचता है कि नहीं यार मेरा क्लास 12th वाला एग्जाम है, हो जाएगा, आखिरी के महीने में प्रिपेयर करूंगा तो हो जाएगा, टेस्ट नहीं भी लिखूंगा तो हो जाएगा, बस कर लूंगा तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये जो बैच थी हमारी मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज बैच, इसमें ना 3 अटेम्प्ट, किसी के 4 अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट भी थे, मैं फीडबैक्स अटैच करवाऊंगा, ध्यान से उनको सुनना। 3 से 4 अटेम्प्ट वाले बच्चे भी थे और वो हमको कहते थे, हाँ सर हमने ये गलतियां करी थी, लेकिन आप जब हमसे ये करवा रहे हो ना तो ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई होती जा रही है। जब तुम घर पर अकेले बैठकर सोचते हो कि नहीं यार मेरा तो हो जाएगा, मैं तो कर लूंगा, ये वे आउट निकाल लेता हूं, कहीं के नोट्स कॉपी कर लेता हूं, कुछ प्लान नहीं है, स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, पढ़ाई तुमको बहुत करनी है, सीए से लगाओ भी बहुत है, मतलब अल्फाबेट्स वो चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सीए नाम के आगे चाहिए, पर जो मेहनत नीडेड है ना स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, सिस्टमेटिक वे में, वो तुम नहीं करते हो। और यही कारण है कि भाई साहब 1,37,000 बच्चे देते तो हैं एग्जाम, लेकिन केवल 40,000 बच्चे पास करते हैं। और अगर सीए फाउंडेशन में ही इतना अनसिस्टमेटिक रहोगे, अनऑर्गेनाइज रहोगे, टाइम टेबल फॉलो नहीं करोगे, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रिपरेशन नहीं करोगे, तो हाउ कम यू विल बी क्लियरिंग सीए इंटर एंड सीए फाइनल, जो कि इससे जंगे मेरे दोस्त। इसीलिए मैं बात कर रहा हूं यार कि अगर तुझे लगता है कि नहीं प्रिपरेशन हो रही ठीक से, सही टारगेट्स तू खुद के फॉर्म नहीं कर पा रहा, रिविजन टाइम से नहीं कर पा रहा, सही तरीके से टेस्ट नहीं लिख के दे रहा, तो तुझे कौन रोक रहा है उस मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में एनरोल ना करा के। मैं बहुत सारी वीडियो फॉर्म में फीडबैक यहां पर अटैच करूंगा। अगर तू सच में चाहता है तेरा जून 24 में रिजल्ट चेंज हो, तो आज ही सोच कि अगर मैं गड़बड़ कर रहा था तो क्या रेक्टिफाई कर सकता हूं। और 1,999 अभी 51 स्टूडेंट्स के लिए हमने ऑफर निकाला है, हमने प्राइस नहीं इंक्रीज करी। बहुत ऐसी रिक्वेस्ट थी कि यार भैया आप बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हो, आप इससे 2x, 3x भी चार्ज कर सकते हो, लेकिन हम तुम्हारे लिए कि यार सीए फाउंडेशन वाला बच्चा इतना नहीं दे सकता, दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट इट एट 1,999। और अभी भी 100% रिफंड वाली पॉलिसी एप्लीकेबल है कि अगर तूने जून 24 में एग्जाम दिया और हमारे सारे टेस्ट देने के बाद दिया, मेंटरशिप सेशंस को अटेंड करने के बाद दिया, और फिर भी तेरा नेगेटिव रिजल्ट आता है और तू सोचता नहीं यार मुझे सीए क्विट कर देना चाहिए और कुछ ट्राई करना चाहिए, तो यू कैन क्लेम योर मनी बैक फ्रॉम अस। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना इसकी, बिकॉज हम तुमको इतनी अच्छी तरीके से ट्रेन करते हैं, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप तुम्हारा बनाते हैं, सारे टेस्ट तुमको अच्छे से इवेल्युएट करके देते हैं, ताकि तुमको पता चले कि यार वो गलतियां जो मैंने पिछले अटेम्प्ट में की थी वो मैं वापस ना दोहराऊं, और इस बार 100% तरीके से इंस्टीट्यूट को बता के आऊं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं बनने वाला हूं। तुमको सुबह उठ के 5 AM क्लब में हम एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाते हैं कि ताकि तुम्हारी सुबह से ही अच्छी पढ़ाई होने लगे, तुमको वो क्वालिटी मिले जो कि तुमने मिस करी थी अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में। अभी भी डाउट चल रहा है ना कोई भी माइंड में और सोचता है कि कुछ क्लेरिफिकेशन मिल जाए, कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे मैं अगला अटेम्प्ट 100% तरीके से पास होने की काबिलियत रखूं, तो इस नंबर अभी कॉल कर लेना, नंबर ऑफ सीट्स का पता कर लेना।
मैंने एनरोल किया उसमें, तो मेंटरशिप के बारे में कहना चाहूँगी कि मेंटरशिप में एवरी सैटरडे सर जूम सेशन लेते हैं, और उसमें सर कैसे अप्रोच होना चाहिए, कैसे हमें स्ट्रेटजाइज करना चाहिए, और कैसे हमें वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अगर मैंने ये गलतियाँ नहीं की होती तो शायद मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास हो जाती, बट ठीक है। और हमें एक प्लानिंग पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, इस वीक में क्या करना है, अगले वीक में क्या करना चाहिए, तो इट्स अ स्ट्रेटजाइज वे में हमें एक रोड मैप मिल जाता है काइंड ऑफ, तो ऐसा। और हमारे जो भी डाउट्स होते हैं वो सर सॉल्व कर देते हैं। और टेस्ट सीरीज के बारे में मैं कहूँगी कि टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम टेस्ट लिखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और हम हमें एग्ज़ाम में जो इतनी एंजाइटी नहीं हो पाती होती है, और हम अपना बेस्ट दे पाते हैं, क्योंकि हमने 4 टेस्ट लिख दिए तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो मतलब हमने इतना लिख लिया तो अब हम लिख ही लेंगे। तो और हमें अपनी मिस्टेक्स भी पता चलती है, कि हम कमेंट्स उसमें होते हैं तो हमें अपनी मिस्टेक पता चलती है कि हमने कहाँ गलती की, कैसे। हाँ जी दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं आपको एनरोल कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे अपने पेज मेंटरशिप वाले। यहां पर आपको सबसे पहले सीनियर्स के वो फीडबैक्स मिलेंगे जो आप जरूर सुनिएगा, आपको पता चलेगा आप भी फाउंडेशन एक बार में क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही आप पेज के नीचे जाएंगे आपको पता चलेगा यहां पर एक्सक्लूसिव सेशंस रहने वाले हैं मेंटरशिप वाले विद 16 फुल सिलेबस टेस्ट। रिकमेंडेड है आप 16 फुल सिलेबस टेस्ट वाला ऑप्शन चूज करें, बिकॉज आपकी प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। लेकिन ये जो 1999 वाला ऑफर है ना, दैट इज 50% ऑफ, या केवल 51 स्टूडेंट्स के लिए है, और ये 100% रिफंड पॉलिसी के साथ आएगा। ये जो टाइमर है इसके पहले कोशिश करें कि आप एनरोल कर लें। फिर नीचे जाएंगे तो आपको अपने पास स्टूडेंट्स के कुछ फोटोज मिलेंगे, कुछ फीडबैक्स मिलेंगे, उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी पैकेज के बारे में और कुछ जानना है तो एक बार आप गो थ्रू कर लेना, सारी चीजें पढ़ लेना। और सबसे जरूरी है, वेबसाइट पर जो व्हाट्सएप का आइकन आपको दिख रहा है उस पर आप क्लिक करके पूछ सकते हैं आपके सारे डाउट्स, की सीट्स कितनी बची है, डिस्काउंट कितना मिलेगा, प्रिपरेशन कैसी करवाई जाएगी, एंड देन ओनली आप एनरोल करें। फिर इसके टॉप पर जाएंगे तो आपको एनरोलमेंट लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करिएगा। आप नेम, मेल आईडी, फोन नंबर, जो बेसिक डिटेल्स है जो पूछी जाए वो देख लेना और उसको फिलअप कर देना। जो डिस्काउंट है आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, कोई कोड यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, एंड यू आर इन आर व्हाट्सएप ग्रुप। वेलकम टू द लाइफ लॉन्ग लर्नर्स फैमिली। और तैयार हो जा एक नई जंग के लिए, एक नया इतिहास लिखने के लिए और अपनी तकदीर बदलने के लिए, बिकॉज अगर तू मेहनत करना चाहता है तो हम तुझसे डबल मेहनत करवाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।